दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में एक ऐसा वीडियो करने जा रही हूँ जो मैं पहली बार कर रही हूँ और इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, और मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है ये, काफ़ी सारों के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और मुझे भी पर्सनली कुछ सीखने मिला कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने से कैसे लाइफ जो है आसान हो जाती है। अगर हम सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो जो है लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। तो मैं इस बार शेयर करने वाली हूँ क्लोविया का लॉन्जरी हॉल, इनरवेयर वगैरह। लॉन्जरी वगैरह मैं क्लोविया से ही लेना पसंद करती हूँ क्योंकि अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छी चीज़ें और गुड क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको चेकआउट करनी है वेबसाइट वीडियो के बाद, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी प्राइजेस वगैरह के साथ, सो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज़ माई सुपर पावर विथ लव फ्रॉम क्लोविया, सो दिस इज़ द थिंग। एंड नीचे मैं अपना डिस्काउंट कोड भी मेंशन कर दूँगी, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप वहाँ से परचेज कर सकती हो। एंड यू कैन अप्लाई द डिस्काउंट कोड एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन सी हमें ब्रास यूज़ करनी चाहिए, स्पेशली जिनकी हैवी ब्रेस्ट हैवी चेस्ट होती है, और टमी टकिंग के लिए कौन सी पैंटीज सही होती है। सो ऐसे कुछ लॉन्जरीज पहनने से जो है ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये है एक रेसर ब्रा, पीछे की तरफ से इस तरीके से है। मैं भी आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हो इस तरीके से है ये पीछे की तरफ से, और ये सिंपल कॉटन रेसर ब्रा है, नॉन पैडेड। और ये जो है, जैसे हम टॉप्स पहन लेते हैं या फिर टी शर्ट्स पहन लेते हैं या फिर रेगुलरली घर पे भी जो है इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सूट्स के अंदर कुर्तीज़ के अंदर भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वाली जो है ये नॉन पैडेड है, और ये जो होता है ना रेसर बैक इसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डिज़ाइन ये लगता है अगर कोई बैकलेस वगैरह टॉप वगैरह पहनते हैं तो। सो ये रेसर बैक होता है, और ये रेसर बैक जो होता है ना दोस्तों, हैवी चेस्ट हैवी ब्रेस्ट के लिए जो है इस तरह की ब्रास काफ़ी अच्छी होती हैं। सो ये काफ़ी और रीजनेबल प्राइसेस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस, आई थिंक ये विद इन 200 रुपीज़ मैंने ली है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइसेस मेंशन कर दूंगी। सो दिस इज़ द वन जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डिज़ाइन पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लगा। पिंक है तो कभी कुछ बैकलेस वगैरह टॉप पहनना है तो ये पहन लो उसके अंदर, और पीछे से जो लुक आती है बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो दूसरा जो मैंने लिया है वो मैंने एक ब्रा एंड पैंटी सेट लिया है, ये ऑरेंज रेड कलर का, ये नेटेड वाला है। सो इस तरीके का है, सिंपल सा नॉन पैडेड, और ये भी जो होता है ना दोस्तों नेटेड वाला भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे इसके जो है अंडरवायर होती है जो कि हैवी ब्रेस्ट को सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी कोई ब्रा चूज़ करें जिसमें अंडरवायर हो, जिससे जो है सपोर्ट मिल सके। और नेटेड ब्रास जो होती है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल होती है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है अंडरवायर से। सो मैंने ये लिया है, और उसके साथ जो है ये पैंटी का सेट है एक, ये आप देख सकते हो दिस इज़ द पैंटी सेट, एंड दिस द क्लॉथ इज़ वेरी कम्फर्टेबल, और अंदर जो है नीचे लाइनिंग भी है अंदर की तरफ से। सो अंदर की तरफ लाइनिंग भी है, सो दिस इज़ नॉट लाइक कि चुभेगा ऐसा कोई क्लॉथ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल क्लॉथ एज यू कैन सी, और बहुत ही प्रिटी लगा मुझे ये। देन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है ये बॉय शॉर्ट। सो ये आप देख सकते हो इस तरीके का है, ये बहुत कंफर्टेबल क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है, और ये जो होता है ये टमी टकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कभी हम कोई ड्रेस पहनते हैं जहाँ पे हमें लगे कि हमारी टमी ज़्यादा विजिबल नहीं होनी चाहिए, तो ये जो है हाई वेस्ट है कम्प्लीटली, और क्लॉथ जो है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल क्लॉथ है ये। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है पीरियड पैंटी, और पीरियड पैंटी मैंने इससे पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार इसे एक्सप्लोर करूं। सो इस तरीके का है, पिंक कलर का है ये पीरियड पैंटी, और ये जो होता है पीरियड्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं पीरियड्स में, और सपोर्ट वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और अंदर की तरफ से इस तरीके की कम्फर्टेबल एक लाइनिंग आती है अंदर की तरफ से इस तरीके की। सो स्टेन्स वगैरह लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो ये मैंने लिए, क्लॉथ भी बहुत कंफर्टेबल है, एज यू कैन सी क्लॉथ इज़ रियली कंफर्टेबल, और बहुत ही प्यारा कलर है।
देन मैंने ली है ये एक मिड वेस्ट पैंटी जो इस तरीके की है। ये भी जो है टमी टकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और क्लॉथ बहुत ही इसका अमेजिंग है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं कभी हमें चाहिए कि मेरी टमी को हाइड करना है तो उस टाइम पर जो है ऐसी पैंटीज काफ़ी काम आती है, लेकिन ये मिड वेस्ट है, दिस इज़ नॉट हाई वेस्ट। और पैंटीज़ में कुछ ऑफर चल रहा था तो मुझे जो है टू पैंटीज़ फ्री मिली, एक तो ये वाली है देन दूसरी ये सिमिलर ऑरेंज कलर की, सिमिलर डिज़ाइन है बट ऑरेंज कलर में है। सो दैट्स इट, ये रहा मेरा क्लोविया का लॉन्ड्री हॉल। और ये जो सारी मैंने लॉन्ड्री आपको बताई, रेसा बैग, बॉय शॉर्ट्स, टमी टकर पैंटीज, पीरियड पैंटीज और अंडरवायर ब्राज, रेसा बैग ब्राज, ये सारी जो है लाइफ सेवर लॉन्ड्री है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एंड दे आर सुपर डुपर कम्फर्टेबल, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने पैसे वेस्ट किए हैं। सो डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ लॉन्ड्री इफ यू हैव हैवी ब्रेस्ट इशूज़ और इफ यू हैव टमी इशूज़, देन ये सारी चीज़ें जो है बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। सो दैट्स इट, बताना आपको वीडियो कैसा रहा। वंस अगेन सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होगी विद लिंक्स, इफ यू वॉन्ट टू चेक समथिंग आउट यू कैन चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ एंड बाय फॉर योर सेल्फ टू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन नहीं किया तो प्लीज़ टर्न ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहे। और मेरे चैनल में चल रहा है एक ओपन गिव अवे जिसमें मैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन गिव अवेज कर रही हूँ, डू पार्टिसिपेट इन दैट, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच ऑल माय वीडियोस प्लीज। एंड दैट्स इट, चलिए मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।